Hey guys, स्वागत है आपका DSUnique वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे GSTR 1 कैसे फिल करते हैं और GSTR 1 और उसके बाद फिल करेंगे 3V, 3V के क्यों फिल किया जाता है। GSTR 1 में जितने भी बिल आपके काटे जाते हैं तो वो GSTR 1 में इनवॉइस नंबर चढ़ता है और 3V में हम पेमेंट करते हैं, जो भी हमारा GST टैक्स बनता है वो 3V में पेमेंट करते हैं। तो आपको ये इस वीडियो से भी नॉलेज मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको हर बार ये नया नया अपडेट आपको देते रहेगा, जैसे हर चीज़ में अपडेट आता रहता है, GST में भी अपडेट आता रहता है। तो जैसे पहले यहाँ पे ये नहीं दिखाई देता था, अब ये लास्ट 5 रिटर्न पीरियड से दिखाई देता है। तो जैसे देखिए जून तक पूरा फिल्ड है और जुलाई में दोनों बिल नहीं है, तो हमने इसमें बिल भर चुके हैं। तो अब यहाँ पे जुलाई देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दिख जाएगा कि कौन से साल का है, तो हमें 21-22 का है। क्वार्टर पहले आता था जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस तरीके के, अब यहाँ पे क्वार्टर वाइज आ जाता है। तो क्वार्टर वाइज जो चल रहा है ये जुलाई है, तो यहाँ पे हमें जुलाई सेलेक्ट करना है। अब जुलाई सेलेक्ट जैसे करेंगे यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे आपको चार चीज़ मिलेगा, डिटेल आउट और सप्लाई एंड गुड्स और सर्विस, GSTR 1, 2A, 2B एंड 3B। जो हमें भरना पड़ता है वो GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 1 में क्या करते हैं, GSTR 1 में जितने भी हमारे पास बिल आता है या कार्ड, हम बिल को काटते हैं तो वो GSTR 1 में फिल करते हैं, और 3B में हम उसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं 3B में। और ये होता है मंथली रिटर्न। जैसे यहाँ पे 11/8/2021 को यहाँ पे इसको पेमेंट करना है, सबको दिखाई देंगे। सबसे पहले GSTR 1, GSTR 2A एंड GSTR 2B और 3B। ये 2A में बस आपको देखने को मिलता है कि सामने वाला पार्टी है आपका, उसने क्या फिल किया है या नहीं किया है। हमें जो इम्पोर्टेंट है ये GSTR 1 भरने का और 3 भरने का। यहाँ पे आपको डेट भी दिखाया जाता है कि 11/8/2021 तक आपको इसको फिल कर देना है और इसको 20/8/2021 तक फिल कर देना है। तो ऐसे हमें एक ऑफलाइन का ऑप्शन है, एक ऑनलाइन का ऑप्शन है, हमें ऑनलाइन का ही ऑप्शन करना है। और सेम कि आपको ईमेल आईडी या मोबाइल पे OTP आएगा, तो आपके पास ईमेल आईडी और OTP होना चाहिए। तो हम इसे करते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन के करने के बाद यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस में आपको दिख रहा होगा कि दो इसका जो GST है, जो GST का बिल है इसमें यहाँ पे भरा हुआ है, हमने पहले भर रखा था, तो बाकी सारे जितने भी हैं वो जीरो हैं। तो अब दिखा देता हूँ एक तरह से कैसे यहाँ पे बिल में गए। बिल में यहाँ पे देखिए अलग अलग बंदे का यहाँ पे GST नंबर है, तो इनवॉइस नंबर एक है, इसका भी एक है, इस वाला टोटल इनवॉइस वैल्यू इतना है, इंटरग्रेटेड टैक्स जीरो है, सेंट्रल टैक्स 11,377 है, और सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स दोनों सेम हो जाता है, इंटरग्रेटेड टैक्स अलग हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर जाइएगा तो पूरा आपको यहाँ पे डिटेल देगा कि इनवॉइस नंबर कितना है, ये 17 नंबर इनवॉइस है, इस डेट को इनवॉइस नंबर भरा गया था, टोटल इनवॉइस वैल्यू इतना है। अगर इस वाले इनवॉइस पे भी क्लिक करिएगा तो ये ऑन द और अंदर आपको ले जाएगा, इसमें आपको रिसीविंग नेम, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे करना पड़ता है। तो हम चलते हैं इसको बैक जाने के लिए, यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शंस दिखाई देगा रिटर्न पे, रिटर्न जैसे करिएगा आपको बैक पे पूरा ले जाएगा ये। अब इसे कर देना है फिल, हमें इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अब हमें जनरेट करना है, हर चीज़ के लिए आपको 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। जितनी बार आप इसको सबमिट करिएगा उतनी बार आपको 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, योर सबमिट रिक्वेस्ट हैड बीन रिसीव, प्लीज़ चेक दिस स्टेटस इन सम टाइम। मतलब एक मिनट और आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और ये फिर से आपको डैशबोर्ड में जाके दोबारा 1 मिनट के बाद यहाँ पे एंटर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। फाइल रिटर्न पे जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा था, तो अब यहाँ पे सबमिटेड दिखाई दे रहा है। तो ये 3 स्टेप में होता है, एक पहला आपको डेट दिखाई देगा, दूसरा सबमिटेड दिखाई देगा, तीसरा आपको यहाँ पे फील्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबमिटेड है तो फिर से वापस सेम वही जो भी किया था अभी मैंने,
बिजनेस टू बिजनेस पे 2 है। उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि सबमिटेड होने के बाद अब कैसे करना है, तो जहाँ पे नीचे आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है डाउनलोड डिटेल ई इनवॉइस एक्सेल, अगर आप इस पर कर दें तो आपको ये एक्सेल में इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा, हमें करना नहीं है। प्रीव्यू में करिएगा तो ये आपका जितने भी है, जब भी डाउनलोड करना करने के लिए आपको कोई बोलता है तो उसे प्रीव्यू करिए तो वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो वो यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा GSTR1 जितना भी होगा ये। अब ये जो है फाइल रिटर्न, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। पहले जैसे सबमिट था, सबमिट हमने किया था इस पर टिक करके, सबसे पहले जनरेट फिर सबमिट फिर उसके बाद फाइल रिटर्न पे जाइएगा, तो यहाँ पे भी 1 मिनट का आपको टाइम लेता है। अगर इस टाइम नहीं लिया वो अलग बात है। यहाँ पे अगर जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे एरर दिखाई देगा रेड सा, तो यहाँ पे 1 मिनट भी आप रुक सकते हैं। पर ये हमने पहले ही फॉर्म वॉर्म भर चुके थे इसका GST नंबर, इसीलिए टाइम लग रहा था, इसलिए टाइम नहीं लगा। यहाँ पे टिक करने के बाद इसका नाम आएगा, नाम डालने के बाद एक DSC है, एक EBC। DSC वो होता है, एक पेन ड्राइव होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वाला। तो पेन ड्राइव से तो हम करते नहीं हैं, हम हमेशा OTP से करते हैं। तो OTP आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे जाएगा, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप कर सकते हैं। तो अब OTP गया होगा आपके पास, वो आप चेक करिए। तो यहाँ पे भी आपको एक तरह से यहाँ पे शो होता है, जैसे S Dell 1, ये मतलब ये है 1@gmail.com, आपको ये शुरू का और लास्ट का दिखा देगा। यहाँ अमाउंट, ये जो आपके मोबाइल नंबर है इस वाले मोबाइल पे और ये वाले पे आपके OTP गया होगा। तो हम मेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला पासवर्ड आ चुका है। अब पासवर्ड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको करना है पेस्ट, पेस्ट पे वेरीफाई, वेरीफाई पे यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा नो थैंक्स, क्योंकि आपने जो OTP डाला है वही यहाँ पे सेव होगा। और जब ये आपका ग्रीन हो जाए तो बहुत खुशियाँ मनाइए, क्योंकि ये ग्रीन हो गया तो समझ लीजिए आपका सबमिट हो चुका है। वापस से हम डैशबोर्ड पे जाके चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे डेट था, फिर सबमिटेड आया, सबमिटेड आने के बाद यहाँ पे फील्ड आ गया। अब फील्ड आने के बाद ये सबमिट हो चुका है, अब हमें चलान जनरेट करना है। चलान जनरेट करने के लिए वापस प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे हमें नील रिटर्न तो है नहीं, अगर आप बाई चांस नील रिटर्न भरना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। पर नील रिटर्न इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि वहाँ पे हमने 2 बिल काट रखा है, तो नील रिटर्न नहीं जाएगा। तो यहाँ पे करना है नो, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद क्लोज। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें करना है सेव GSTR 3B। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट। अब अगर आप ये करते हैं क्रिएट चलान तो यहाँ से भी हो जाएगा, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर इस तरीके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्रिएट चलान, क्रिएट चलान इतने का आ रहा है तो इसको क्या कर देंगे ई पेमेंट, इसको हम दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपका इस तरीके से ये चलान दिख रहा है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जब ये हो जाए तो आप यहाँ पे चेक करिए, तो आप ये किसी को भी भेज सकते हैं। तो ये आपका ये चलान जो है क्रिएट हो चुका है, इसको आप दोबारा भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। तो आपने GSTR 1 और 3B दोनों का चलान जनरेट करना सीख लिया। अगर इसके बाद यहाँ पे पेमेंट का आएगा तो पेमेंट आपको बता देंगे बाद में। तो अगर वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।